हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल होप एल डिंग गुड गाइस। सो आज मैं लेकर आई हूँ शरारा सेट स्पेशली ईद के लिए। सो ईद के लिए लास्ट वीडियो है मेरी, ऑलरेडी मैंने आपको ईद के बहुत सारे वीडियोस दिखाए हैं, शरारा सेट, स्कर्ट विद कुर्ता, इंडर्स की, मिंत्रा की, बहुत सारी मैंने 3-4-5-6 वीडियोज़ तो पक्का दिखाए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप चेक करना। ये मेरी लास्ट वीडियो है एंड सारे के सारे शरारा सेट मीशो से है। ये वीडियो थोड़ी 2-3 दिन पहले आती गाइस, बट किसी पर्सनल रीज़न के वजह से मैं टाइम पे वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, घर पे किसी की तबीयत ठीक नहीं है और स्टूडियो जाना, सारा सामान लेके जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। इसी वजह से वीडियो ये वाली टाइम पे नहीं आई, बट अभी भी ईद को टाइम है तो आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो, 4-5 दिनों में डिलीवरी हो जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना गाइस, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड कमेंट में बताना कि कौन सी सेट अच्छी लगी। सारे लिंक्स आपको, सारे कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और बहुत ही बढ़िया बढ़िया शरारा सेट मैं आज आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो आगे देखते हैं। पहला कुर्ता सेट, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन का कुर्ता सेट मैंने पिक कराया है, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन है, गोटापट्टी वर्क के साथ है, 3-piece सेट है ये एंड थ्री क्वार्टर स्लीव्स के साथ है, जिसपे आपको गोटापट्टी की डिटेल्स मिल रही है, फ्लावर्स की पूरे कपड़े में ही ये डिज़ाइन बनी हुई है। दुपट्टे का डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा लगा, लाइक आप ब्रॉड बॉर्डर और एक पतली बॉर्डर देखोगे जो कुर्ती का ही फैब्रिक है, तो डुअल जो स्टाइल है बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपको डोरी मिल रही है, बट ये फेक डोरी है, इसे आप टाइट नहीं कर सकते हो। कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी बढ़िया लगी और ये पेपलम टॉप है, प्लस आपको गोटापट्टी का डिटेल भी मिल रहा है नीचे को, एंड प्लाजो भी इसकी बहुत ज़्यादा फेयर वाली है डुअल स्टाइल में, एक डार्क ग्रीन और एक लाइट ग्रीन। तो मीशो में ऐसी बहुत ज़्यादा सेट आपको देखने को मिलती है, इवन मैंने अपने चैनल पे ऐसे बहुत सारे सेट्स दिखाए हैं, बट ये जो क्वालिटी मैं आज आपको दिखा रही हूँ ये थोड़ी प्रीमियम क्वालिटी वाली है गाइज, लाइक ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। लास्ट वाली की क्वालिटी प्राइस के हिसाब से अच्छी थी, इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी अच्छी वाली है। सो दुपट्टे की चौड़ाई लंबाई दोनों बहुत अच्छी है, डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी है, साइज़ मेरा मीडियम है, कॉटन मटेरियल है कुर्ता दुपट्टा का और प्लाजो का, बहुत बढ़िया लगा पहनकर। लाइक आप खुद देख सकते हो जितना ये वीडियो में अच्छी लग रही है ना, एक्चुअल में इतनी अच्छी लग रही है। बैक में भी आपको सेम पूरी डार्क ग्रीन की प्रिंट्स मिल रही है, कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। ये लेटेस्ट फैशन ही मैं बोलूँगी इस साल ना, ये डिज़ाइन ही चल रहे हैं, लाइक पेपलम में शरारा गोटापट्टी की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। दुपट्टे में जो प्रिंट है वो कपड़े में ही है, मतलब इसमें कोई भी निकलने का टेंशन नहीं है, धो पहनो वाला कपड़ा है ऐसा है। सो कैसी लगी ज़रूर बताना, मुझे ये बहुत पसंद आई। ये पहली चीज़ इसकी शरारा की जो लेंथ है, जो डिज़ाइन है बहुत अच्छी है और कुर्ती भी बहुत अच्छी है। सेकेंड पीस जो मैंने पिक करा है वो थोड़ा डिफरेंट पिक करा है इस बार मीशो से, और इसका प्राइस 1700 समथिंग है, साइज़ मेरा मीडियम है। थोड़ा सा ये स्लीव्स के बाद अटपटा सा फिटिंग लगेगा गाइस, क्योंकि ये बहुत फिटिंग साइज़ हो रही है, मुझे इस पर एक साइज़ अप लेना था, बट ये पीस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। थ्री क्वार्टर स्लीव्स है, इस पर ना लटकन लगी हुई है पाइप की, जो बहुत प्यारी लग रही है, और पूरा थ्रेडवर्क आपको जॉर्जेट मटेरियल में थ्रेडवर्क मिल रहा है, नीचे को आपको वाइट थ्रेडवर्क के साथ आपको सीक्वेंस, गोल्डन सीक्वेंस प्लस धागे का वर्क मिल रहा है, सेम पाइप जो लटकन है वो लगी हुई है। नीचे को अगर आप देखोगे तो पूरी शरारा में डिफरेंट डिजाइन है, नीचे आपको लेस मिल रही है, उसके ऊपर से पूरे सीक्वेंस का राउंड राउंड सर्कल सा वर्क करा हुआ है। क्वालिटी जैसी वीडियो में लग रही बिल्कुल वैसी है, इनर लाइनिंग के साथ है कुर्ती और उस दोनों पे, बट जैसे मैंने आपको ये शरारा के पास जो मोटी सी आपको लेस दिखाई है ना, बस ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बैठने पे ये थोड़ी सी इचिंग हो रही है, लाइक इचिंग इन दी सेंस थोड़ा सा चुभता है ना, वैसा हो रहा है। अगर ये चीज़ नहीं होता ना तो ट्रस्ट मी ये कुर्ता सेट 200% रिकमेंडेशन वाला कुर्ता सेट था। अगर आप उसको मैनेज कर सकते हो समहाउ किसी तरीके से तो आप ये ले सकते हो, प्राइस बहुत बढ़िया। दुपट्टे की क्वालिटी देखो, मैं बहुत ही क्लोजली दिखा रही हूँ, जॉर्जेट मटेरियल में अगेन राउंड राउंड सा सीक्वेंस का वर्क है, चारों कोने पर लेस बने हुए हैं, मतलब भर भर के काम करा हुआ है, साइज फिटिंग बहुत बढ़िया है, बस ये जो शरारा की जो लेस वहाँ पे दे दी है ना वो चुभ रही है, और दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई भी बहुत अच्छी है। कलर भी आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल टर्कस ब्लू काइंड ऑफ कलर है, बहुत अच्छा सेट है, उसको मैनेज कर लो तो हाईली रिकमेंड करूँगी, बट अगर आप नहीं कर सकते हो, इचिंग की प्रॉब्लम है बैठे पे ज़्यादा, तो फिर स्किप करके दूसरा ले सकते हो। सो थर्ड कुर्ता सेट जो है वो मैंने रेड कलर का, क्या
मतलब धमाकेदार शरारा सेट मैंने चूज करा है। देखने में बहुत ब्यूटीफुल नहीं लगी थी, अगेन साइज की वजह से यहाँ पे आर्म्स के पास थोड़ी सी फिट हो रही है। साइज अगर सही लोगे ना तो फिटिंग अच्छी जाएगी। तो यहाँ पे जो आपको वर्क मिल रहा है वो आपको जरी का वर्क मिल रहा है, जॉर्जेट का कुर्ता है और प्लाजो नेट की है, दुपट्टा भी नेट की है। सो आप ये वर्क देखोगे ना तो मैं फ्रेंकली बोलूँ गाइज, ये जो वर्क करा हुआ है ना वो बहुत अच्छी, मतलब एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है ना वैसी नहीं है, थोड़ी चीप काइंड ऑफ है, ठीक है। अब बट शरारा की बात करूँ, लेस बहुत अच्छी है एंड जो नेट की फ्लेयर बन रही है शरारा पे, अब खुद देखो जैसे मीशो को पेज पे दिखाया है ना बिल्कुल वैसी बन रही है। शायद ये फ़ोटो पे मतलब बंद कर रखा हुआ था ना कपड़ा, डायरेक्ट निकाल के मैंने पहन लिया, तो फोटो पे वीडियो पे बहुत अच्छे से उसकी फ्लेयर नहीं दिख रही है, बट ट्रस्ट मी फ्लेयर बहुत ज़्यादा ही है। और यहाँ पे नीचे को आपको पूरी फ्लेयर पे डिज़ाइनिंग मिल रही है, मोटी सी ब्रॉड सी लेस लगी हुई है, इनर लाइनिंग के साथ है, पर पीछे में शरारा की सेम वर्क नहीं करा, पीछे प्लेन है बैक। ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी मुझे, बैक पे भी सेम वर्क रहता ना तो ज़्यादा अच्छी लगी, बट 1700 में और आपको क्या ही मिलेगा, प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है। दुपट्टा की क्वालिटी नेट की है, चारों तरफ बॉर्डर लगे हुए हैं, बट बहुत अच्छी क्वालिटी का दुपट्टा उन्होंने नहीं दिया है। स्कर्ट और नहीं, शरारा और कुर्ता तो फिर भी मैनेज कर लूँगी क्योंकि क्वालिटी थोड़ी चीप है, ठीक है, सामने से अगर वर्क देखोगे तो, बट पहनने के बाद ना ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट ही लग रही है, लाइक पहनने के बाद बहुत स्टैंडर्ड लग रही है, उतना आप मैनेज कर लोगे। अगर आपके पास एक अच्छा रेड स्टैंडर्ड दुपट्टा है ना तो उसको हटाकर रिप्लेस कर दोगे तो ये कुर्ता सेट बहुत मज़ेदार लगने वाला है। मुझे थोड़ी सी क्वालिटी चीप लगी बट प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया पीस है गाइस, अगर थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो। सो नेक्स्ट आइटम जो है वो मैंने कॉटन का पिक करा है, पेपलम टॉप, शरारा एंड दुपट्टा, तीनों का मटेरियल कॉटन है एंड पर्सनली ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि बहुत इजी ब्रीजी है ये, लाइक एकदम ईद में होता है ना कि आपको थोड़ा हल्का फुल्का गर्मियों के टाइम पे कॉटन का शरारा सेट चाहिए तो उसके लिए परफेक्ट है। अभी यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा बैंगल्स इस तरह के नहीं थे तो मैंने नहीं पहना है, बट आप पूरा कलरफुल बैंगल्स डालो, बड़े बड़े झुमकी डालो, जैसे मन हो रेडी हो गए ईद में, यू नो गाइस बहुत अच्छे लगोगे। सो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स मिल रही है, स्लीव्स में अलग प्रिंट्स है, सेम आपको यहाँ पे नेकलाइन पे भी मिल रही है और नीचे को अगर आप देखोगे तो फ्लावर्स की प्रिंट है, नीचे को गोटा पट्टी डिटेलिंग भी मिल रही है, पेपलम टॉप है और इस पर मेरा साइज़, मुझे लगता है मैंने इस पर बड़ा साइज़ ले लिया गाइस। आप जो साइज़ पहनते हो ना वही लो, लार्ज बहुत ज़्यादा मुझे लूज़ हो रही है, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि शरारा में कितनी फ्लेयर है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर है, लाइक एक स्कर्ट से भी ज़्यादा फ्लेयर है एंड बेस्ट पार्ट है कि आप देखो मस्टर्ड येलो, ये फिर रेड, फिर ये zigzag वाला डिज़ाइन, देन अलग प्रिंट, फिर बीच में गोटा पट्टी डिटेलिंग, ये चीज़ इस शरारा सेट को काफ़ी ब्यूटीफुल बना रही है। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है एंड दुपट्टा आप खुद देखोगे ना लंबाई और चौड़ाई, मतलब इतनी लंबाई तो मीशो में मिलती नहीं है, बट ये एशियन ब्रांड की है तो एशियन ब्रांड के कपड़े अच्छे होते हैं, मिंत्रा में भी अवेलेबल होते हैं, उतने ही प्राइस में मिंत्रा पे भी है, सेम प्राइस में मीशो पे है। दुपट्टे में भी नीचे को रेड बॉर्डर, फिर अलग से बॉर्डर दूसरा कपड़े दूसरे प्रिंट्स का, फिर दूसरे प्रिंट्स का, फिर वाइट पे आपको बड़े बड़े फ्लावर्स और लंबाई चौड़ाई दुपट्टे का देखो, लाइक फ्लोर छू रहा है इतना ज़्यादा है। सो मैं इसे तो हाईली रिकमेंड करूँगी, पर्सनली मैं तो इसे पहनने वाली हूँ, आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट में बताना, और मुझे ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी। इस पर मेरा साइज़ थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, आपकी जो साइज़ आती है आप वही लेना, वैसे मैं मीडियम पहनती हूँ बट मीशो से मैं लार्ज लेती हूँ, यहाँ पर मैंने लार्ज लिया है बट ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही है, प्राइस थोड़ी सी हाई है बट क्वालिटी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट जो सेट है गाइज वो मैंने बहुत ही हल्का पुल्का सा शरारा ही सेट ऐड करा है जिसका प्राइस भी 885 रुपीज़ है या 750 रुपीज़ है, मतलब बहुत अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में है। एंड एक होता है ना कि ईद में आप एक मेन ड्रेस लेते हो, एक सिंपल ड्रेस लेते हो जिसको नहा के पहनते हो क्योंकि आपको बहुत काम करना पड़ता है, उस टाइम पर आपको चाहिए होती है एक ईजी ब्रीजी कपड़ा पहनकर जो बहुत हल्का पुल्का लगे, गर्मी का टाइम भी है एंड प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं लगे, तो ये वही ड्रेस मैंने यहाँ पर पिक करा है। पॉलिस्टर मटेरियल है, बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, ओके काइंड ऑफ है, लेकिन पर्सनली मुझे पसंद आई, पहनने के बाद ना मुझे इतना लाइट वेट फील हुआ है कि मैं इसे
डेली बेसिस पे पहन सकती हूँ, इतना कंफर्टेबल है। गोटा पट्टी की डिटेलिंग आपको नीचे को मिल रही है, साइड पे मिल रही है एंड यहाँ पे शरारा पे भी मिल रही है। साइज़ मेरा इस पर लार्ज है, अच्छी फिटिंग मुझे आई है एंड इसकी जो फ्लेयर है, मतलब मैंने स्लीपर पहना है, मेरी हाइट 5'4" है और नीचे को नहीं जा रही है इसकी शरारा। और दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, लाइक बंधने स्टाइल में जो दुपट्टा दिया है, चारों कोने पे गोटा पट्टी डिटेलिंग के साथ, बहुत लाइट वेट है गाइस। लाइक मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर आप कुछ लाइट वेट ईद में काम करने के लिए ढूंढ रहे हो तो ये परफेक्ट है। बाहर भी जा सकते हो, बाहर जाने के लिए भी बहुत बढ़िया है, पहनने के लिए भी बहुत बढ़िया है। सो ये वाली कैसी लगी आप कॉमेंट में ज़रूर बताना। इस पर बहुत सारे कलर्स ऑप्शन भी है तो वो आप एक बार फोटो स्क्रीन शॉट लेके चेक कर लेना। सो लास्ट आइटम मैंने पिक करा है गाइज, ये बहुत ही हेवी सूट, बहुत ही हेवी सरारा सेट डार्क कलर में मैंने पिक करा है, और जिनको लाइट नहीं पहनना ईद पे, थोड़ा चकचक पहनना है ना, उनके लिए परफेक्ट है। मैजेंटा कलर का, डार्क पर्पल कलर का, बहुत ही ब्यूटीफुल शरारा सेट है। दुपट्टा आप देख सकते हो लंबाई चौड़ाई, एंड जो क्वालिटी है ना, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी क्वालिटी है प्राइस के अकॉर्डिंग, लाइक 1700 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, बहुत अच्छी रुपीज़ के अकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी, क्योंकि मार्केट में भी इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी का तो ड्रेस नहीं मिलता है। जॉर्जेट मटेरियल का आपको शरारा मिल रहा है, सेम आपको नीचे लेस लगी हुई है, राउंड राउंड सीक्वेंस का वर्क करा हुआ है। फोटो में जैसे दिख रही है ड्रेस मुझे वैसे ही लग रही है, और इनर लाइनिंग के साथ आ रही है। बट गाइज यहाँ पे ना, मैंने ये एक दो दिन पहले शूट करा था और मैं ये बहुत ही फीवर में हूँ, तबीयत ख़राब में शूट कर रही हूँ, तो मैं आपको बहुत डर लगूंगी, तो मेरा फेस को पूरी तरीके से आप इग्नोर करिए। माइट भी उसके वजह से यू नो ग्लेस नहीं आ रहा है वीडियो में या फिर कपड़े में, बट बीमार हूँ फिर भी ये दिखा रही हूँ, तो आप कपड़े पे पूरा फोकस करना। साइड स्लिट के साथ है वर्क कर, देखिए आप पूरा सीक्वेंस का वर्क कुर्ती पे करा हुआ है, फ्रंट में बैक में भर भर के काम करा हुआ है। एंड दुपट्टे की जो क्वालिटी है जॉर्जेट मटेरियल में, नीचे को आप ऐसे राउंड राउंड जो कटवर्क डिज़ाइन होता है ना सीक्वेंस में, वो करा हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी का दुपट्टा है, सीक्वेंस का काम करा हुआ है, जॉर्जेट मटेरियल है। इनर लाइनिंग के साथ कुर्ती और शरारा दोनों मिल रही है, कुर्ती भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। अगर थोड़े से अच्छे से तैयार होती मैं तो ये आपको 100% बाय करने का मन करता, तबीयत खराब की वजह से बहुत अच्छे से यू नो दिखा नहीं पाई हूँ, बट उसके बावजूद ये कपड़ा बहुत प्यारा लग रहा है। 100% रिकमेंड करूँगी, ईद में पहनना चाहते हो पहन ले सकते हो, किसी की पार्टी है, किसी की शादी है, फ्रेंड की शादी है, रिलेटिव की शादी है, आराम से बाय कर सकते हो, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी पीस है। सो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूँगी, आप देख सकते हो वीडियो में कैसा चमचम चमचम कर रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड बेस्ट थिंग, पहनने पर इचिंग भी नहीं हो रही है, लाइक स्लीव्स में या साइड पर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर से बताना। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो गाइज, एंड सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आया हो तो। ईद की सीरीज़ मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, अगर कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ जल्दी से ऑर्डर कर लो, टाइम है, डिलीवरी हो सकती है, और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय गाइज़।